आज की वीडियो में आपको सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर रॉबरी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान की यंगेस्ट सिस्टर अर्पिता खान बहुत ही फेमस है और उनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। रिसेंटली अर्पिता खान के घर एक रॉबरी हुई है और उन्होंने इसकी कंप्लेंट मुंबई पुलिस में फाइल की है। आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस में अर्पिता खान ने एक FIR की है और उन्होंने बताया है कि ट्यूजडे को उनके घर से उनके डायमंड इयररिंग्स गुम गए हैं और इन इयररिंग्स की प्राइस की बात करें तो लगभग इन की प्राइस थी 5 लाख रुपए। जैसे ही अर्पिता ने ये कंप्लेन फाइल की है, उनके घर एक हाउस हेल्पर को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, अर्पिता खान के इस FIR के बाद उनके हाउस हेल्पर को अरेस्ट किया गया है और उनके हाउस हेल्पर के घर से डायमंड इयररिंग्स भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि अर्पिता खान के घर ये हाउस हेल्पर पिछले 4 महीनों से काम कर रहा था और आज उसने ये चोरी की, तो वो चोरी करने के बाद घर छोड़कर किसी को भी इन्फॉर्म किए बगैर वहाँ से चला गया और भागकर वो अपने घर में चला गया और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया, उसे डायमंड के इयररिंग्स भी निकाल दिए गए हैं। 30 साल का ये शख्स अर्पिता के घर में पिछले 4 महीनों से काम कर रहा था और अर्पिता ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि उनके घर में ये डायमंड इयररिंग्स उन्होंने अपने मेकअप ट्रे में रखे थे और थोड़े ही घंटों के बाद जब उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर वो इयररिंग्स नहीं थे और फिर इस सिलसिले में उनके ये इयररिंग्स तो मिल चुके हैं। अब देखना ये है कि उनके हाउस हेल्प के साथ क्या होता है, अर्पिता उसे माफ कर देंगी या फिर उन्हें सजा मिलेगी। वैसे दोस्तों, आपकी राय में क्या होना चाहिए? क्या उस हाउस हेल्पर को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप अर्पिता खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।